हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शांति के व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं, नए दिन नए नए व्लॉग के साथ। तो आज थोड़ा मुझे जुकाम हो रहा है और आज का मौसम कुछ ऐसा है कि बारिश भी नहीं है, धूप भी नहीं है। यहाँ का मौसम तो ऐसे ही है, कुछ दिनों से सुबह गुमसुम रहता है, शाम को बारिश हो जाती है। और अब बज चुके हैं, 11 बज चुके हैं और अब मैंने तो नाश्ता किया नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था, मुझे जुकाम लग रही है इसलिए। तो मैं अभी दवाई लेने गई थी, दवाई लिख के भी आ गई और अब मैं दिन को पुलाव ही बनाऊंगी सिंपल सा, क्योंकि चावल नहीं खा रहे हम आज क्योंकि जुकाम हो रहा है इसलिए। तो आज हम पुलाव बनाएंगे और आज पतिदेव भी घर पर ही हैं, तो उनका मन था पुलाव खाने का इसलिए वहाँ पर बैठ के अपना फोन चला रहे हैं। और गुन्नू भी अभी अपनी दीदी के साथ चला गया, अपनी दीदी के घर गया है, बुआ के घर। थोड़ी देर में आएगा, घूमने के लिए जा रखा है वो। और ये हमारी छोटी सी क्यारी है, इसको हम बनाएंगे। आजकल बारिश हो रही है इसलिए नहीं बनाई हमने, और इसमें कुछ बोया भी नहीं क्योंकि इसमें जो है कि कुछ बो रहे हैं। तो एक बार मेरे साथ जिले इसमें कुछ चौलाई वगैरह बोई थी तो वो बह गया था, बारिश हो रही है इसमें इकट्ठा हो जा रहा है पानी। और फिर इसमें हम सब्जी वगैरह बोएंगे। और ये बेल है, ये बेल बगल में आंटी लोगों का घर है, उनकी बेल वहाँ से उनके खेत से आ रखी है ये। और ये हमारे पौधा है और हमने इस खेत से पत्थर भी उठाए थे, बहुत सारे पत्थर थे जब मकान बना था तो तब के बहुत सारे पत्थर थे यहाँ पे, तो वो उठाए हमने। और ये है एक पौधा ऑक्सीजन का, इसमें ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन मिलती है हमको। ये फूल है, पिंक पिंक फूल। ये एक पौधा ये है, इसमें वो तुलसी भी है, ये 100 पीस का पौधा है। ये कुछ इस तरह से मौसम। और ये बगल में आंटी लोगों के पेड़ पौधे हैं, ये अमरूद का है पेड़ और ये अनार और अमरूद दोनों इकट्ठी हो रखा है। ये आंटी लोगों का खेत, इसमें भी अभी घास घास हो रखी है। और ये हमारी धन्नो, वो हमारी सन्नो। और ये हमारे छोटे छोटे से गमले, ये मेरे पति देव लाए ये पौधे। लग रहे तो ऐसे जैसे मिर्च का पौधा होगा लेकिन मिर्च नहीं है, पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता इतना। छोटे 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 बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। तो ये रहा पनीर, ये रहे टमाटर, ये लहसुन प्याज, थोड़े से मैंने आलू भी काट रखे हैं। और ये टमाटर, टमाटर को देखने में तो डर लग रहा है, टमाटर के भाव तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपके यहाँ टमाटर कितने रुपए केजी है कमेंट करके ज़रूर बताना, हमारे यहाँ तो 200 रुपए किलो है। मैंने पुलाव तो बना दिया है और अभी ठंडा हो रहा है और गुन्नू के पापा गुन्नू को लेने चले गए उसकी बुआ के घर, गुन्नू को लेके आएंगे, वैसे हम खाना खाएंगे। और बूंदाबांदी वाली बारिश भी होने वाली है, मौसम काफ़ी अंधेरा हो चुका है, बारिश हो रही है हल्की हल्की। गुन्नू आ चुका है, गुन्नू आ गया। गुन्नू हाय, गुन्नू अंदर नहीं ला रहे,
गुनु आ जा, गुनु उसको चाय भी चाहिए बस, चाय पी के लिए तो वो आओ आओ अंदर आओ। ये देखो गुन्नू आ चुका है हाँ ड्यूटी से। तो हमारा पुलाव बन के हो चुका है एकदम रेडी। और ये रही हमारी थाली, ये है सलाद के लिए प्याज, और ये अचार और पापड़ और घी। तो मैं स्किप करूँगी जुकाम के लिए, जुकाम हो रहा है इसलिए। कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आइए दोस्तों आप भी खाइए। खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं और खाना खा रहे हैं। आइए आप भी खाइए। ये है हमारा सरोलू जिसको मैंने प्लेट में दिया, प्लेट में नहीं खा रहा लेकिन करछी से खा रहा है। खाओ 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 खा ले खाना। कैसा हो रहा? बढ़िया। उन्होंने खाना ऊंचा खाना ऊंचा मस्त। ऐसे बोल, आओ आप भी खाओ, बोलो बोलो। शरोलू चलो शरोलू। तो दोस्तों दिन का खाना खाने के बाद हम सो चुके थे और अभी उठ रहे हैं। अभी बज रहे हैं 5, तो अभी हम पी रहे हैं चाय। तो अभी मैं पी रही हूँ चाय, शाम की चाय। और मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है कि दिन से बारिश हो रही है हल्की हल्की। आज तो ज़्यादा मोटी बारिश नहीं हुई, बारीक बारीक बारिश लगी है दिन से 1-1.30 बजे से, अभी भी हो रही है। और ये जो टंकी हमने रखी है ना, हम इसे छत में ही फिट करेंगे। अभी हमने नीचे ही रखी है, तो अभी तो बारिश हो रही है आजकल, तो कुछ टाइम बाद हम इसे छत में फिट कर देंगे। क्योंकि नीचे से ना यहाँ फिर नीचे टाइल्स भी मतलब खराब हो रही है, नीचे से पानी निकालने की भी दिक्कत हो रही है। छत पे ही फिट कर देंगे, फिर ऐसा है कि वो तो टंकी रहेगी तो पानी की दिक्कत भी नहीं होगी ज़्यादा। और अब बोलते हैं कि रात को क्या बनाएंगे, रात के खाने की तैयारी करेंगे। अभी तो अभी रात भी हो चुकी है और रात के साथ साथ मेरी खाना बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। कढ़ाई मैंने रख दी है और मैं आज बना रही हूँ। समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने प्याज काट रखी बारीक से और सोयाबीन की बड़ी और हरी मिर्च, तो उसकी एकदम सिंपल सी सब्जी बनाऊँगी। और आटा भी मैंने गूंद के रख दिया है। तो चलिए फटाफट मैं वाली खाना बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।
अभी दोस्तों हमारा डिनर भी हो चुका है, मैंने बर्तन भी धो दिए हैं और पूरा किचन भी एकदम साफ से क्लीन कर दिया है। कितना अच्छा लगता है ना जब रात को ये सारे बर्तन और किचन वगैरह साफ है तो सुबह बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो मैंने पूरा साफ कर दिया है और अब चलते हैं सोने के लिए। सिंक वगैरह भी साफ कर दिए, मैं लाइट बंद करती हूँ अभी। और अभी मैं आ चुकी हूँ रूम में, पति देव तो यहाँ पे सो चुके हैं, लेकिन गुन्नू को देखो 11:30 बजे से पहले कभी सोता नहीं है, देखो कैसे फोन देख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं गुन्नू को डायपर पहना देती हूँ, बरसात का सीजन चल रहा है तो गुन्नू 2-3 बार रात को टॉयलेट कर ही देता है, फिर खुद भी परेशान होता है, मैं भी परेशान होती हूँ, तो मैं पहले से डायपर पहना देती हूँ जिससे ज़्यादा परेशानी ना हो। और दोस्तों हमारी मस्ती मजाक तो ऐसी चलती रहेगी रात 11 बजे तक। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखना और वीडियो को देखते रहना। धन्यवाद आपका।